जम्मू शहर के शालामार में पिज़्ज़ा बस्ट नाम से एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ अनलिमिटेड फूड कोर्ट का यहाँ शुभारंभ किया गया है और एक यंग डायनेमिक एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर इस फूड कोर्ट जिसका नाम पिज़्ज़ा बस्ट है शालामार जम्मू में खोला गया है। श्री अभिषेक शर्मा जी जो कि एक बहुत पढ़े लिखे मेहनती नौजवान हैं, उन्होंने एक प्रयास किया है और इस पिज़्ज़ा बस्ट फूड कोर्ट, इसकी सबसे बेहतरीन बात यह है कि 199 रुपीज़ में 42 डिशेस ये यहाँ सर्व करते हैं। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल अभिषेक शर्मा जी ने यहाँ पेश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस शालामार पिज़्ज़ा बस्ट फूड कोर्ट का लुत्फ सभी साथी उठाएंगे। और मैं आज देख रहा हूँ जैसे ही इसका शुभारंभ हुआ बहुत ज़बरदस्त भीड़, जनता पहले से ही लगता है कि इंतज़ार कर रही थी कि कब इसका शुभारंभ हो। अपने प्रयासों से हमारे यंग नौजवानों ने, युवाओं ने इस प्रकार का जो अभियान लिया है, यहाँ वो नौजवानों को इस फूड कोर्ट के माध्यम से फास्ट फूड हो या अन्य यहाँ सुविधाएं हों वो पूरा खाने का लुत्फ देंगे और वहीं अपने पांव पर अपनी मेहनत से खड़े होने का भी एक प्रयास इन्होंने किया है। मैं इसके लिए श्री अभिषेक जी को और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जम्मू शहर में पिज़्ज़ा बस्ट नाम से एक रेस्टोरेंट का जो शुभारंभ आज हुआ है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी भीड़ भी इकट्ठा हुई है। कारण यही है कि 199 रुपये, मतलब 200 रुपये में 42 किस्म की आइटम्स जो हैं वो यहाँ पर परोसी जाएंगी, जिसमें सूप रहेगा, कुछ स्नैक्स रहेंगे, पिज़्ज़ाज़ की आइटम्स हैं और बर्गर और भी काफ़ी सारी आइटम्स हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा अभिषेक को जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके ये मन बनाया कि मैं स्वयं भी रोज़गार पैदा करूंगा और लोगों को भी रोज़गार दूंगा। नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से अभिषेक ने स्टार्टअप के माध्यम से ये जो रेस्टोरेंट है इसका शुभारंभ किया है और आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमने भी
कुछ आइटम्स जो हैं वो टेस्ट की हैं, बहुत अच्छा लगा। और ये एक प्रेरणा है बाकी नौजवानों को भी जो नौकरी के पीछे भागते हैं। मैंने अभिषेक से पूछा कि भैया आपको, कहते नौकरी मिल रही थी लेकिन मन ही नहीं मान रहा था कि मैं नौकरी करूं, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो सुविधा नौजवानों को दी है कि स्टार्टअप के माध्यम से आप अपना कारोबार शुरू करो, स्वयं भी रोजगार पैदा करो और लोगों को भी रोजगार दो। तो मैं इस शुभ मौके पर अपने प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी जो इस शुभ मौके पर उपस्थित रहे, और विशेष तौर पर अभिषेक के पिता बोधराज जी, इनको भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने भी भरपूर सहयोग जो है वो अभिषेक का किया और इसका मनोबल भी बढ़ाया। तो इसलिए आज इस मौके पर मैं बाकी जितने भी कार्यकर्ता आए हैं बधाई देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट का शुभारंभ आज इन्होंने किया है, तो इसका हम सब जो है वो लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। एक्चुअली हमारी एक टीम है पूरी एमएफआई के नाम से और बक के नाम से, ये पूरी टीम काम करती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जहाँ पे हम एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते भी हैं, करते भी हैं। और ये सिर्फ मेरा नहीं, ये मेरा कज़न है, छोटा भाई है,